रायपुर से दुर्ग की ओर जा रही टाटा नेक्सॉन कार जैसे ही पावर हाउस ओवर ब्रिज के ऊपर पहुंची थी, तभी अचानक कार में आग लग गई। इस पर चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को धीरे धीरे करके रोड के किनारे किया और फिर चालक के द्वारा अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को सूचना दी गई, जिस पर कार में लगी आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की टीमों को तत्काल रवाना किया गया और वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग को बड़ी सावधानी से एक गाड़ी में पानी की मदद से बुझाने में सफलता पाई। आग को अन्य तरफ बढ़ने से रोक लिया गया और जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया और भारी जानमाल होने की हानि होने से बचाया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर ने प्रथम दृष्टया का पक्ष बताते हुए मीडिया को घटना की जानकारी दी है। रायपुर से नेक्सॉन गाड़ी है जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे जो रायपुर से दूसरी तरफ आ रहे थे और जैसे ही पावर हाउस ब्रिज के ऊपर चढ़े हैं तो इनका जो टायर है वो टायर पे फट गया है और उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था। स्टीयरिंग फेल होने के बाद उसमें धुआं निकलना चालू हुआ और गाड़ी को इन्होंने कैसे भी करके किनारे कराया और धीरे धीरे चिंगारी बढ़ते गया और आग के रूप में ले लिया। और पब्लिक के माध्यम से हमको हाईवे पेट्रोलिंग जो नीचे था उसको सूचना मिला तो हम लोग तुरंत वहाँ पे पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए और पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, दोनों तरफ के ट्रैफिक को बंद कराया गया। फायर ब्रिगेड आने के बाद पूरी आग को बुझाया गया और जो 3 लोग सवार थे वो पहले जैसे ही आग लगा उसमें सुरक्षित बाहर निकल गए थे और अभी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। आग बुझाने के बाद ट्रैफिक को हम लोगों ने चालू कर दिया है और लोगों से भी अपील है कि गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस प्रॉपर सर्विसिंग हो, उसका टायर प्रेशर हो गया और उसका कूलेंट वाटर हो गया और एसी काम कर रहा तो कंटिन्यू एसी का उपयोग न करें और इन सभी बातों का ध्यान रखें ताकि गर्मी में किसी प्रकार की आग इस प्रकार की घटना न हो।